गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संदीप शर्मा अपने यूट्यूब चैनल विजय लक्ष्मी एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज मेरे ख्याल से बहुत से चेहरे उदास भी होंगे, बहुत से चेहरों पे खुशियां होंगी। क्यों? क्योंकि स्पेशली अगर पता होगा आईबीपीएस के मार्क्स आ गए हैं, जिन लोगों ने जिन बच्चों ने इंटरव्यूज दिए थे उनके मार्क्स, एक तरीके इंटरव्यू के तो मार्क्स नहीं आए हैं, रिटन के मार्क्स आ गए हैं। और रिटन के मार्क्स आ गए हैं स्पेशली मैं सच कहूँ तो दिल से ये निकल रहा है कि सब बच्चों का सिलेक्शन हो। फिर सबसे ज्यादा तो डिप्रेशन में वो बच्चे हैं जिनका कट ऑफ से लगभग कट ऑफ के पास मार्क्स है, तो उनका ये लगता है कि होगा कि नहीं होगा, वो डिप्रेशन में है। अभी बहुत से यूट्यूब चैनल्स पे एनालिसिस शुरू हो जाएगा। बेटा एक चीज बता दे, जिनका कट ऑफ से है ऐसे बहुत से, मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ, आप मेरे एक तरह से फेसबुक पेज पे चेक कर सकते हैं। बेटा आपके सामने लिखा हुआ है, फेसबुक पेज है जो मेरा, कि ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनका पिछले साल जो लास्ट कट ऑफ पे थे उनका भी सिलेक्शन हुआ है। क्योंकि इंटरव्यू इज अ गेम चेंजर, मैं आपको सच बता रहा हूं, इंटरव्यू एक गेम चेंजर है और ये कई लोगों के साथ इस साल भी होगा। आप ये बताओ स्टूडेंट्स कि अगर बच्चा आप शांति से रह के अब एकदम आइसोलेट हो गए हो कि आपके मार्क्स एकदम से कहा जाए कि एकदम आप कट ऑफ के बीच में हो, अगर आप कट ऑफ के बीच में तो आपको क्यों बुलाया गया इंटरव्यू के लिए? पहले तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दो कि आपके पास कोई इसका आंसर है बच्चा कि आपको क्यों बुलाया गया? क्योंकि आपके पास प्रॉपर बेटा चांस है, इतना याद रखिएगा। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है, पिछले साल 2019 में मेरे कई स्टूडेंट्स हैं जिनके नाम अभी भी, जैसे वेदांत सिंह है, वेदांत सिंह का एक उसमें क्या कहते हैं आपका रिटन में बहुत कम था, इंटरव्यू में बहुत अच्छा उसने परफॉर्मेंस किया, उसका 80% बना है इंटरव्यू में, आज वो यूको बैंक में एज अ पीओ है। फिर उसके बाद कहें कोनिका ज्ञान है, अगर गर्ल्स की बात करें, ऐसे बहुत से कैंडिडेट्स हैं कि जिनका एकदम कट ऑफ के लगभग नजदीक था और वो इंटरव्यू के मार्क्स से वो सिलेक्टेड हुए हैं। और कोनिका ज्ञान तो एज अ बैंक ऑफ महाराष्ट्र में वो एज अ पीओ काम करी, ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं बेटा। तो आपको पहली बात तो ऐसा समय भी चल रहा है, क्रूशियल समय चल रहा है देश के अंदर, आप मुंह बना के बैठे हुए हो कि हमारा होगा नहीं, क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपका बेटा, आपको उसने कॉल किया है, आपको आईबीपीएस ने बुलाया है, आप बॉर्डर लाइन पे भी थे तब भी आप में पोटेंशियल थी, आपको बुलाया है। आप इस तरह काम करेंगे, बात नहीं करेंगे किसी से, क्योंकि ऐसा बहुत सा आ रहा है, ट्रेंड में आ रहा है, कुछ बच्चे अलग अलग एक्टिविटीज कर रहे हैं कि बात नहीं कर रहे हैं, तो बेटा उसका कोई हल नहीं निकलेगा। आपका फेयर चांस है सिलेक्शन होने के लिए, जिनके मार्क्स बेहतर है वो तो बेहतर है, लेकिन जिनका बेटा बॉर्डर पे है उनके प्योर, मैं लिख के दे रहा हूं, उनके प्योर चांसेस हैं। इस समय को एंजॉय करो, जो भी जिस तरह की देश में चीजें चल रही हैं, सबसे बेस्ट मम्मी पापा के पास बैठो बेटा, दादा दादी नाना नानी जो भी आपके एल्डर्स हो उनके साथ बैठो, उनके साथ समय व्यतीत करो। और हाँ, मेरे मना करने पे भी तो आप मानोगे नहीं, जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं उनके आप सर्वे देखोगे, कुछ देखोगे, बेटा उससे कुछ नहीं होने वाला, मैं सच बता रहा हूँ। जो होने वाला है वो 1 तारीख को जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा वो सबसे बड़ा की फैक्टर होगा। प्लीज इतने जितने दिन बचे हैं आपके रिजल्ट आने के, बेटा इसको एंजॉय करो, मम्मी पापा के साथ रहो और आप बेहतर हो, बस इससे ज्यादा मुझे वीडियो पे और कुछ नहीं कहना है, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं है कि मैं दूसरे चैनल्स की तरह टाइम वेस्ट नहीं करना है। यू आर बेस्ट बेटा, आप कट ऑफ में थे, यू आर बेस्ट, आपका सिलेक्शन होगा। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।